मुझको बता। अरसिम की कसम खाओ और कहो कि ये जो सब कुछ कहा जाता है तुम्हारे बारे में उसमें कोई सच्चाई नहीं। इतनी छोटी सी बात पे कसम कैसे कोई खा सकता है पुप्पो? इतनी छोटी सी बात है, उस पे आप अरसिम को बीच में ले आई। नैना अचानक से किसी पीर बाबा को घर लेकर आ गई और कहने लगी कि आपका इलाज करवाना है। मैंने कहा कि मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? तो कहती है कि आप अरसिम को समझाती नहीं है कि वो शाजिया को वापस भेज दे और मुझे बुला रहे। अभी मैं उसकी बात सुनी रही थी कि फिर बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी हालत खराब होने लगी। शाजिया ने बहुत मिन्नत समाजत की कि पुप्पो की हालत बिगड़ रही है, मगर ना सुनैना ने सुना और ना ही वो पीर बाबा ने। वो बढ़ते रहे और मेरी हालत बिगड़ती चली गई। मुझे कुछ याद ही नहीं। मैं बेहोश हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके साथ हूं। हेलो, कब आओगी? इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। कल आऊंगी। नहीं, आज। आज और अभी। वरना मैं वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर ना कहना कि मुझे बताया नहीं। कर रही हूँ, लालच नहीं दे रही हूँ, लेकिन बस अपना मुंह बंद रखना। तुम्हें अम्मी की कसम। तुम घबराओ नहीं, अल्लाह ने चाहा तो पुप्पो बहुत जल्दी ठीक होके घर आ जाएंगी। ये तो मैं भी नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ है। बस इतना पता है कि वो किसी वजह से बेहोश हो गई थी। हेलो। हाँ सबा, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी। जी भाई, कहाँ तक पहुंचे? अच्छा, फिर आप एक काम करें, आप घर ही आ जाएं। अम्मी को डिस्चार्ज कर दिया है तो मैं उन्हें घर ही लेकर आ रहा हूँ। जी, अल्लाह। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे डर था कि वो फिर से कुछ गलत ना कर बैठे। उस वक्त उसके चेहरे पे जो जुनून सवार था ना सबा, उसे देख के ऐसे लग रहा था कि वो कुछ भी कर देगी, कुछ भी। आपने किसी को कुछ बताया था ना? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे शाजिया पे बहुत गुस्सा आता है और तरस भी। उसने जो कुछ किया
वो अरसिम की मोहब्बत पाने के लिए किया, लेकिन इन सब की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सबा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए? देखो, शाजी को बुराई से रोकना भी तो उसकी मदद करना ही होगी ना, ताकि वो मजीद और किसी की जिंदगी ना खराब कर सके। अगर हम उसे बुरे कामों से रोक लें? कुछ सोचो तुम इस बारे में। हम तो कुछ नहीं कर सकते उसका, अब खुदा ही करेगा जो करेगा। जो कुछ शाजिया ने किया गलत ही किया ना। अम्मी ने भी कितना समझाया शाजिया को, लेकिन शाजिया ना समझी। सोनिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि पप्पू बहुत जल्दी ठीक होके घर वापस आ जाएंगे, वो घर आ गई हैं। मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपको नाम और पता भेज रहा हूँ, इस पर फौरन एक्शन लीजिए, क्योंकि इस वाकये का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूँ। जी, मैं भेज रहा हूँ। थैंक यू। अरसिम, मुझे बताओ ये क्या हुआ, अम्मी के साथ कैसे हुए सब? भाई, मैं ऑफिस में था, मुझे शाजिया की कॉल आई। उसने बोला कि सुनैना एक बाबा जी को लेकर आई है घर पर। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो अम्मी यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। पता नहीं उस बाबा जी ने क्या पढ़ा, क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सुनैना ने ये सब कुछ क्यों किया। यार, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही कि भला सुनैना की अम्मी से क्या दुश्मनी है, वो क्यों कर रही है ऐसा? भाई, मैं भी नहीं जानता कि उसे अम्मी से क्या दुश्मनी है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसे दुश्मनी है किससे, और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैंने आपके लिए सूप बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। सब पता है मुझे, परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मैं सुनैना को गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? तो बकवास नहीं कर रहा हूँ, वारंट है मेरे पास। क्या बात है कमाल? कह रहे हैं कि ये सुनैना, आप प्लीज मुझे ये बताएं कि मेरी बेटी ने क्या जुर्म किया? अभी तो इल्जाम है घर में घुसने का और इकदाम है कत्ल। जी, इन्होंने अपनी सास को कत्ल करने की कोशिश की है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं तो उनसे मिली तक नहीं हूँ, यकीन करें मैं सच बोल रही हूँ। मैंने देखिए ऑफिसर, मेरी बेटी उस घर की बहू है, उस घर में रहती है, इसका घर है, अपने घर में जबरदस्ती घुसने का जवाब नहीं बनता। सर, ये बातें आप अदालत में जाके कीजिएगा। एक मिनट, मैं आपकी आईजी साहब से बात करवा दूंगा। कमाल साहब, मैं जानता हूँ आप इस शहर के जाने माने शख्स हैं, एफआईआर कट चुकी है, मैं मजबूर हूँ। एफआईआर कट चुकी है? जी। आप किस तरह लेके जा सकते हैं मेरी बेटी? उनको जाना पड़ेगा, वारंट है हमारे पास। अरेस्ट करो। एक मिनट, देखिए कोई सूरत तो निकलती होगी। सर फिर वही बात, मैंने कहा ना मैं मजबूर, एफआईआर कट चुकी है। आप मुझे ले जाइए साहब। नहीं सर, इनका ही वारंट है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप जमानत का बंदोबस्त कर लें, तब तक इनका पूरा ख्याल रखेंगे। आप वारंट दिखाइए मुझे। अरे
अरेस्ट कर रहे नहीं कमाल नहीं बेटा नहीं बाबा तुम इनके साथ जाओ मैं अपने वकील को लेके तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ नहीं और तुम्हें कुछ नहीं होगा आई प्रॉमिस नहीं कमाल नहीं होगी नहीं होगी बाबा आ गई मैं लेकिन तुम मुझे अपना सारा इल्म सिखाओगे ताकि कभी भी कोई मुझसे अरसिम को ना छीन सके मैं जिसे चाहूं जब चाहूं अपने रास्ते से हटा सकूं इतना हक होना चाहिए मुझे बोलो मंजूर मंजूर अब तक तेरी रस्सी दराज थी अगर अब से नहीं होगी वो जो तेरे लिए दुआएं किया करती थी अब नहीं रही जवाल शुरू हो गया है तेरा शाजिया आप लोग आ गए तुम ऐसे ऐसे क्यों बैठी हो वैसे मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तनी पुप्पू की हालत को क्या हो गया है तुम टाइम पर ना आते अगर पुप्पू को कुछ हो जाता तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर को किसकी नजर लग गई तो ठीक हो गई है तो क्यों परेशान हो रही सुनैना तो नहीं आएगी ना वापस वो तो नहीं आ रही ना आएगी तो नहीं ना वो बिल्कुल भी नहीं उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है पुलिस कस्टडी में है वो बहुत गलत किया उसने इतनी आसानी से जमानत नहीं होने दूंगा कुछ दिन तो हवालात में रहे क्यों परेशान हो रही हो इसे नहीं देख सकता मैं रोना बंद करो सबा ऐसे क्यों बैठी हो क्या हुआ कुछ नहीं बस ऐसे आई एम फाइन दिखाओ बुखार तो नहीं बुखार तो नहीं है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे मैंने पहले कभी आपसे कुछ छुपाया है जो आप छुपाओगे हाँ ये भी है मैं खाना लगाती हूँ तुम मेरे पास यही बैठोगी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बातें करने का विचार है क्या हुआ सबा तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें पता है ना मैं अब और नहीं छुपा पाऊंगी क्या नहीं छुपा सकती याद है आपने एक बार आकर मुझे बताया था कि शहरयार भाई शाजिया के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें कर रहे थे हाँ तो क्या हुआ वो सब सच था क्या उसमें तो बस
वकील साहब से बात हुई है मेरी, वो थोड़ी देर में जमानत के पेपर्स लेके आ रहे। बाबा जी तो इधर ही है ना, वो वापस तो नहीं गए? नहीं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारे, तुम्हारे हौसले की, कि तुम किस तरह हक और सच की खातिर मुश्किलात से गुजर रही है। बहुत तारीफ कर रहे थे और बहुत दुआएं की हैं उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे मकसद के लिए। और तुम देख, इंशाल्लाह मेरी बेटी कामयाब होगी। चुप करें आप, आगे मुझे बहुत डर लग रहा था। हाय मैडम, मेरी बेटी तो बहुत बहादुर। ये बाबा जी हैं, मुल्तान से लेकर आए। अम्मी, हाँ बेटा, रो रही हूँ मैं, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। उस घड़ी को रो रही हूँ जब शाजिया को ब्याह कर इस घर में लेकर आई थी। तुमने कितनी बार मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैंने तुम्हारी बातों पे कभी यकीन नहीं किया, हमेशा तुम्हें डांट के चुप करा दिया, जबकि तुम्हारा एक एक लफ्ज सच था। मेरी मत मारी गई थी, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी बेटा। ये जो सब कुछ हो रहा है ना हमारे साथ, ये सब कुछ शाजिया ने कराया है। उसने अपनी जबान से मुझे ये सब कुछ बताया। अरसिम से शादी करना चाहती थी और अपनी इतनी सी ख्वाहिश के लिए उसने इतनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। तुम्हारी बात में मैंने कभी यकीन नहीं किया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अपनी माँ को। नहीं बता सकती किसी को, किसी से कुछ नहीं कह सकती मैं, न सारिम से न अरसिम से। वो उसने कहा है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो काला जादू करा देगी। खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों को अगर कुछ हो गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बेटा। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ।
मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं अपनी जबान बंद रखूंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। क्या करूं बेटा, कहां जाऊं, किससे कहूं, क्या करूं मैं, क्या करूं बेटा, मैं तुमसे तो कह सकती हूं मगर किसी और से कुछ नहीं होगी। हरसिम, सारिम, सोनिया, इन सबके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी ने करवाया। वो हमारे सामने सब कुछ करती रही और हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी आंखों पर तो जैसे झूठ की पट्टी बन गई थी। सोनिया ने देख लिया था, उसने सोनिया की जबान ही बंद करवा दी। मेरी बच्ची सच बोलती रही और मैं उसे झूठा समझती रही। और शाजिया, सब कुछ झूठ बोलते, सब कुछ करते हुए भी मेरे सामने सच्ची बनी रही। सही कह रही हैं आप, दज्जाली फितनों में से एक फितना ऐसा भी होगा जिसमें सही को गलत और गलत को सही दिखाया जाएगा। काला जादू है ही ऐसा, इसमें इंसान की आंखों पर पट्टी चढ़ जाती है, लेकिन जब ये पट्टी उतरेगी तो इंसान को सही सही और गलत गलत नजर आना लगता है। इंशाल्लाह ताला आपके मामले में भी अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह। फिर बाबा, मेरे बच्चों को उसके शर से बचा लीजिए। मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं खुदा के लिए। आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई आए ना, नाश्ता करें। क्या खाएंगे? खाऊंगा तो कुछ भी नहीं अर्शन, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। जी भाई कहिए, क्या बात करनी है अर्शन? बात कुछ इस तरह। अर्शन तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। नहीं ठीक है बिल्कुल। जी भाई कहिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ यार, वो अम्मी की टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो तुम पे करोगे या मैं करूँ? मैं ऑफिस जाते हुए ले लूंगा, कोई मसला नहीं। मैं अम्मी के साथ। शाजिया मेरा सामान निकाल दे। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अब यही सोच रहे हैं ना कि मैं कब अरसिम से बात करूंगी हमारे बारे में। तो आप फिक्र ना करें, मौका मिलते ही एक दो दिन में मैं खुद बात करूंगी। भाई अम्मी तो कमरे में नहीं है। सोनिया के रूम में थी ना वो, वहां पर भी देखा है मैंने, वहां पर भी नहीं। यही होगी, कहां जा सकती है, कहां चली गई। मैं आपकी चीजें निकाल देती हूँ। कोशिश करें
कि ये नमक आज जो खाना बने उसमें ये शामिल हो जाए। एक बार ये नमक शाजिया के हलक से नीचे उतर जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ गई थी आप? वो मैं पार गई थी, हुमा को बताकर गई थी। चाहो तो पूछ लो हुमा से। पूछा? हुमा से ही पूछा मैंने, उसी ने बताया कि पुप्पो तो पार गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुप्पो और भतीजी आज साथ मिलकर वॉक करते। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो आप तो वहां थी ही नहीं। कहां गई थी? वो मेरी एक सहेली जाहिदा अपने घर ले गई थी मुझे, उसके घर गई थी मैं। कहीं उसका नाम सुनैना तो नहीं था? क्यों गई थी सुनैना के घर? तुम्हें कैसे पता? सुनैना के घर क्यों गई थी? ये बताने के लिए कि शाजिया ही ये सब कुछ करती है। क्यों करती है, क्या करती है, कुछ पता नहीं होता। मना किया था ना, समझाया था ना, समझ नहीं आता। क्यों गई थी? माफ कर दो मुझे खुदा के लिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, ऐसा नहीं होगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, माफ कर दियो। मैं तुम्हारे खुदा के लिए माफ कर दियो, चाहो तो मेरी जान ले लो। बातें कर रहे हो आप? आपकी जान का क्या करूंगी मैं? उठे, उठो। क्या करूंगी मैं आपकी इस जान का? मेरा क्या फायदा? मुझे कोई फायदा नहीं है इस जान का। ऊपर से सारिम ने मुझे तंग कर रखा है। अरसिम को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा दोबारा से। मैं नहीं करना चाहती, बहुत परेशान कर रखा है उसने मुझे। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना सारिम को ही। नहीं, नहीं, खुदा के लिए मेरे किसी बच्चे को खुश मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सारिम, मैं समझाऊंगी सारिम को, मैं बात करूंगी सारिम से, मैं और मैं अपने लब सीलूंगी, मैं अपने होंठ सीलूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मगर मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मेरे बच्चों को। चुप। जब तक वापस आओ तो अपनी सजा सोच कर रखना। माफ कर दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, शाजिया कौन है? जी मैं हूँ। जी मैडम, आपके नाम पे एक कोरियर आया और मैडम यहाँ पे एक साइन करता है। मैंने सोचा था चुपके से होकर आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा,
लेकिन इसे पता चल गया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। मैं उसे कह दूंगी कि जो कुछ भी करना मेरे साथ कर ले, मगर मेरे बच्चों के साथ कुछ ना करे। पीर बाबा ने नमक दिया है और कहा है कि किसी भी तरह से नमक इसके हलक से उतार दे, फिर हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। तुम दुआ करो ना बेटा, मुझे इतनी मोहलत मिल जाए कि मैं ये काम कर सकूं। खैरियत है भाई, आप यहाँ? पर सर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो घर पर नहीं हो सकती। कहिए, क्या क्या बात करनी है आपको? पर सर, मेरा यहाँ आने का मकसद तुम्हें अफेंड करना या खफा करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा यहाँ आना, इस बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो हम बहन भाइयों की हिफाजत है। भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ मैं तुमसे शाजिया के बारे में बात करूं। अरसिम, रिएक्ट करने से पहले मुझे एक बार पूरी बात करने का मौका दे दो। मेरी बात एक दफा पूरी सुन लो, फिर तुमने जैसे रिएक्ट करना तुम कर लेना। कहिए, क्या बात करनी है आपने? शाजिया जैसे दिखती है वैसे है नहीं। बस भाई, इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। और मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। आधार से मैं जानता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। अब तुम इस बात को मानो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। अतर सर, तुम्हारे लिए शायद मैं सिर्फ एक बड़ा भाई हूं, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत कुछ हो। ख्याल रखो। छुरी मिलेगी? परेशान नहीं हो, ताबीजों की काट के लिए मंगाइए, ताबीज तलाश करने चाहिए थे। आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं, थोड़ी देर बाद आपको मिला दूं।
अरे हुमा, अरे बेटा तुम क्या कर रही हो किचन में? फौजिया कहाँ है? पप्पो वो शायद कुछ लेने के लिए गई है। तुम रहने दो बेटा, खाना मैं बना लूंगी, तुम छोड़ दो, रहने दो इसे। अरे नहीं पप्पो, मैं बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वो तुम सोनिया के पास जाके बैठो, जरा उसे देख लो बेटा, खाने की फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। लाओ शाबाश, छोड़ दो। चलें ठीक है, आप कहती हैं तो बना ले, मैं सोनिया का ध्यान रख लेती हूँ। ठीक है बेटा। बेटा उनको बुला लो। ये थी तुम्हारे भाई की बीमारी, इसको 1/4 किलो गोश्त के साथ पानी में बहा दो, जैसे ही तावीज की रोशनी पानी में घुलेगी तुम्हारा भाई ठीक होने लगेगा। मैं बाहर कभी समय जल्दी वापस आ जाऊंगी। सही ठीक। दिखता खुदा भी ना।